सीधी करके बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, चिन शुड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, मेरे साथ साथ तीन बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्रैब योर बोथ पाम, वेरी गुड, मेक एन पॉजिटिव कवरिंग आउटसाइड योर बॉडी। अगेन ग्रैब योर बोथ पाम, now put your palm on your eyes, very good, now open your eyes। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बाकी लोग आते रहेंगे, कोई प्लीज मैसेज कर दीजिए कि 4:05 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी या 4:10 के पहले तक ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने कल क्या पढ़ाया था बताइए जरा, कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? जी मैम, नॉइज के बारे में और उसके टाइप्स। हाँ, और उसके पहले मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे दो, याद है वो आपको? जी ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव। ओके, वेरी गुड। तो बाकी लोगों को नहीं पता क्या, चलिए पुष्पलता जी आप मुझे बताइए, ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या था और इंटरैक्टिव मॉडल में क्या था? आप मुझे बताइए ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा है? नहीं बता? योग सुबोध जी आप बताइए। हेलो, सभी लोग नोट्स खोल रहे हैं अभी बैठ के, है ना? Yes, ma'am, अभी बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे, कल पढ़े तो कुछ याद नहीं। रितिका आप बताओ, रितिका के क्वेश्चन क्या है दीदी? ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है? ट्रांजैक्शनल, हाँ, इसमें लेन देन का ये रहता है, सेंडर रिसीवर का इंटरचेंज रोल रहता है। और फीडबैक एक न्यू मैसेज के फॉर्म में रहता है। ओके, और नॉइस रहता है इसमें। हाँ, और ये सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है। कब पर्सनल कम्युनिकेशन, जब सेंडर रिसीवर बनता है और वापस रिसीवर सेंडर बनता है। अच्छा, ये इसका एक मॉडल दिया था दो लोगों ने, किसी एक का नाम बताएंगे, गौरव जी। गौरव पंडित जी आप मुझे बताइए, मैंने इसमें दो मॉडल बताए थे, किसी एक का नाम बताइए। एक का तो मैंने नाम ही बस बताया था। गौरव जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। डॉक्टर महुआ पाल जी आप बताइए। बर्नार्ड मॉडल था शायद। पुष्पा जी मैंने आपसे पूछा नहीं है, पुष्पलता जी। मैम क्या बताना है? ट्रांजैक्शनल मॉडल में एक मॉडल है, उसका नाम बताइए, कौन सा मॉडल है वो? अगर आपको पुष्पा जी की आवाज आई होगी तो सुनाई दे गया होगा। बर्नलैंड मॉडल है और दूसरा आपका डांस हेरिकल मॉडल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब ट्रांजिशनल मॉडल मैंने आप लोग को बताया था नॉइस के बारे में, ठीक है। तो मुझे बताइए नॉइस के बारे में कि मैंने नॉइस के कितने टाइप बताए थे और नॉइस है क्या, ये मुझे बताएंगे। गौरव जी बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जिसे पूछा जाए वही बताए, नहीं आ रही है। रितु केवट जी आपका आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। कुंज बिहारी साख्या आप बताइए। मैम क्लास में नहीं थी, सॉरी। इट्स ओके,
कुंज बिहारी जी आप बताइए, मैंने आप लोग को नॉइज बताया था, ओ नॉइज क्या होता है? जी मैम, मैम आपने उसके फोर टाइप बताए थे। तो हाँ मैम कल मैं लास्ट में जुड़ा था, याद तो नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शारीरिक शोध या याद नहीं है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। गौरव जी आप बताइए, आपने हैंड रेस किया है। जी हाँ, शारीरिक क्रियात्मक शोर, भौतिक शोर, मनोवैज्ञानिक शोर और शब्द संबंधित शोर, ये चार प्रकार थे। अच्छा, शोर से तात्पर्य क्या है, केवल नॉइस से है या कुछ और चीजें हैं? हाँ जी, शोर से मतलब है जो भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है उसके बीच में आने वाली प्रॉब्लम, या समझ में ओके ना आना, भाषा का डिफरेंस होना, इस तरह से। ओके, सोनिया जी आप बताइए मुझे, नॉइज में फिजियोलॉजिकल नॉइज क्या होता है? जी मैम, जिसमें भूख या फिर क्या बोले, फटीग या हेडेक, जब ऐसी मेडिकेशंस इनकी वजह से जब कम्युनिकेशन में बाधा आती है तो उसे फिजियोलॉजिकल दैट इज शारीरिक शोर बोलेंगे। हाँ वेरी गुड, ठीक है, जो हमारे शरीर की वजह से हमें डिस्टरबेंस होती है। ओके नेक्स्ट, निगम जी मुझे आप बताइए साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस क्या होगी, साइकोलॉजिकल नॉइज। निगम देवी जी नहीं सॉरी बता, मैम, मैं क्लास में तो नहीं थी उस टाइम पे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ जितना मुझे समझ में आता है उस हिसाब से। हाँ मतलब साइकोलॉजिकली अगर हमारा माइंड सेट कुछ इस तरीके का नहीं है कि हम सुनना ना चाह रहे हो, या माँ किसी और बात पे मन हो, तो भी हमें वो बात सुनाई नहीं देगी। जैसे हम किसी और बात को सोच रहे हैं और क्लास में बैठे हुए होते हैं, बहुत बार हमारा ध्यान कहीं और ही है, टीचर बोल निकल बता के चले जाए, तो वो हाँ हमारा साइकोलॉजिकली कहा जा सकता है। वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारे कुछ नॉइस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, और निगम ने बहुत अच्छा सही से बताया है। ठीक है, तो आज चूंकि वुमेन्स डे है भाई, तो बहुत सारे लोग आए नहीं होंगे वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे पता है, और जो आए हैं उन सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बढ़िया, क्या बोलते हैं, आप संभालते तो हैं ही पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, तो आप अपनी इसी तरीके से तत्पर रहिए, खुद को तो संभालिए ही, और आप एम्पावर करिए वुमेन्स को, ठीक है? बाहर जाके आप लोगों को सिखाइए क्या क्या चीजें होती है, अपने साथ जो लोग हैं आपके अंदर अगर कुछ क्वालिटी है तो दूसरों में भी डेवलप करने की कोशिश करिए, ठीक है? जनरली देखा जाता है, ये एक ड्रॉबैक है, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, फीमेल्स फीमेल्स की कभी नहीं सुनती है ना, तो ये होता है और हर फीमेल के साथ होता है कि हम एक दूसरे की नहीं सुनते और हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए लोग बोलते हैं कि फीमेल फीमेल फ्रेंड्स की अच्छी नहीं बनती। तो ये चीज आप हटाइए स्टीरियोटाइप लोगों का, और बोलिए कि हाँ फीमेल्स भी दूसरे फीमेल को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकती है, ठीक है? तो अब आप लोग हेल्प करेंगे मेरे ख्याल से, और जो अदर लेडीज हैं उनकी, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट बेरियर्स के बारे में, ठीक है? तो बेरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। हो रही है ना स्क्रीन प्रेजेंट? जी मैम, ओके यस मैम। चलिए, तो हमने नॉइज कल कंप्लीट कर लिया था। नॉइज के चार टाइप थे, फिजियोलॉजिकल नॉइज, फिजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और सेमेंटिक नॉइज, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आपका बेरियर्स के बारे में, ठीक है? तो देखिए, बेरियर्स जनरली बाधाएं जिनको कहते हैं, जिनकी वजह से हमें, या जो प्राप्त करता है, जैसे रिसीवर है उसको संदेश या कोई इन्फॉर्मेशन है वो अपूर्ण रूप से मिलती है, जिसके कारण प्राप्तकर्ता को अपूर्ण संदेश प्राप्त होता है, वह बाधाएं कहलाती हैं। अब इसके पांच टाइप होते हैं जनरली, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैरियर और मैकेनिकल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को क्या कहते हैं, संगठनात्मक बाधाएं, ठीक है? फिर आता है आपका, जनरली ये सात इसमें पॉइंट्स होते हैं या सात होती है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है? फिर फिजिकल बैरियर्स में आपका आता है भौतिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आपका आता है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, कल्चर मतलब सांस्कृतिक बाधाएं, मैकेनिकल मतलब मशीन से संबंधित बाधाएं। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संगठन,
में किसी प्रकार की बाधा आती तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स में से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जिस प्रकार की बाधा आती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है रूल एंड पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे हमारे जैसे संगठन हो गया, अलग अलग संगठन, तो उनमें कुछ ना कुछ रूल बने ही बने हैं। तो ऐसे रूल हैं जिसकी वजह से हम बाकी चीज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि संगठन में किसी से बात करने के लिए नियम होते हैं जिसका पालन अनिवार्य होता है, जिसके कारण हम पूरी बात नहीं कर पाते और ना ही सुन पाते। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको बोला जाता है कि ज्यादा बकबक नहीं करनी, अपने बॉस से ज्यादा बात नहीं करनी है, एज एन एम्प्लॉय आपको सुनना बस है, आपको बोलना नहीं है। तो क्या होता है, वो रूल की वजह से हम बंधे रहते हैं, उन पॉलिसीज की वजह से हम बंधे रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको नहीं बता पाते जनरली। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा आ जाती है। पहले तो रूल और पॉलिसीज, मतलब जो नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं पहले से ही, वो हमको, जैसे कि आप देखते होंगे हिंदू धर्म में लेडीज लोग जेठ से बात नहीं करती हैं। आप लोग, बहुत से लोग होंगे राजस्थान महाराष्ट्र एमपी के हैं, क्या सुना है ऐसा कभी आप लोगों ने कि जो लेडीज रहती है, मतलब अगर दो भाई हैं तो छोटे भाई की वाइफ बड़े भाई से बात नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वो उसका जेठ है। ठीक है, ऐसे बताया जाता है। कि अब उस टाइम पे क्या होगा, मान लो उसको कोई दिक्कत आ गई तो वो उससे बात ही नहीं कर पा रही। अब पहले तो बहुत पुराने जमाने में घूंघट का सिस्टम था, मतलब सर ढकने का। अब इतना ज्यादा सर ढकेगा इंसान तो बोलेगा कैसे, कम्युनिकेट कैसे करेगा, बात कैसे करेगा, सर तो ढक लो चलो ठीक है, लेकिन आप उससे बोलने को ही मना किया गया। अभी तक कहीं कहीं का प्रचलन है कि आप अपने जेठ का नाम नहीं ले सकते, है ना, जेठ मतलब जो आपसे बड़े हैं वरिष्ठ, उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? अब उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं पता मुझे, पर लोग बोलते हैं नहीं ले सकते, ले लेंगे तो पाप लगेगा। तो ये कुछ चीजें, ऐसे रूल एंड पॉलिसी बनाई गई हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है। ठीक है, और ऐसा किसने किसने सुना या देखा है भाई, बताइए तो, ऐसा देखा है या फिर नया नया था ये, किसी का होता है ऐसा? हाँ देखा है मैंने। यस हाँ जी मैम, होता है, जी होता है देखा मैम, होता है है। हरियाणा में भी होता है ऐसा। हरियाणा में होता है जनरली ऐसा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है। झांसी बिहार इधर मानते हैं। ठीक है, और इधर मामा का भी मानते हैं, मामा ससुर है, उनके सामने ज्यादा बात नहीं करनी है, उनका नाम मैम नहीं लेना टीवी में देखा है, घर में तो नहीं आता है। नहीं, हमने घर में भी देखा, टीवी में भी देखा है। ठीक है, तो ये होती है चीजें। चलिए, मैम ये जो आप मतलब ये रूल्स एंड पॉलिसी का जैसे जो भी डेफिनेशन है वो इंग्लिश में तो है ही नहीं, तो हिंदी वालों को तो पूरा मतलब इंग्लिश वालों को तो पूरा हिंदी में नोट्स बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेशन नहीं, वो टॉपिक का नाम ही रूल एंड पॉलिसीज है, उसकी डेफिनेशन नहीं है कोई, इट्स रूल इज। जिसमें मोस्टली मोस्टली सब चीजें हिंदी में है वो इंग्लिश में आप कह रहे थे बाद में भेजेंगे। नहीं, मोस्टली चीजें आपकी इंग्लिश में भी है भाई, साथ साथ तो मैंने लिखा है, देखो नीचे नीचे बगल बगल में इंग्लिश क्या लिखा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि पूरी स्लाइड मैं इंग्लिश में बनाऊंगी, स्लाइड के बगल बगल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब रूल एंड पॉलिसी को इंग्लिश में रूल एंड पॉलिसी कहते हैं, उसी को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है कि देयर आर सम काइंड ऑफ रूल व्हिच वी हैव टू फॉलो इन ऑल कंडीशन, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट कम्युनिकेट वेरी वेल। तो वो चीज तो आप जनरली जानते हो, जब रूल पॉलिसीज होती है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने लायक थी, ये इतनी हिंदी तो समझ में आती ना लोगों को, अब एकदम हिंदी नहीं समझ में आती, उनको पता है। अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है, अब नीचे उसको डिस्क्राइब कर दिया है, तो ये सारे मैंने साथ साथ में लिख दिए हैं आप लोगों के इंग्लिश के नीचे, कि आप लोगों को समझ में आए, है ना। ओके मैम, ओके, चलिए, अगर आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ना है तो केवीएस मैदान की बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन सब चीजें आप पढ़ना और समझने में अंतर है, क्लास क्यों ली जाती है, सामने सामने हमें हर चीज क्लियर होती है, बुक हम पढ़ते कभी कभी बोर हो जाते हैं, लोग पढ़ नहीं पाते। ठीक है, चलिए दूसरी चीज आती है, आपको रूल पॉलिसी समझ में आ गया, इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है कि बॉस से हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिक्स में अगर है तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो एकदम प्रेसिडेंट है उससे जनरली एम्प्लॉय बात नहीं कर पाता, प्रेसिडेंट से एकदम हायर जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही बात कर पाएगा। तो इस तरीके से कुछ रूल एंड पॉलिसीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। दूसरा होता है हायरार्कियल पोजीशन, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, बताइए मुझे, मैंने आप लोगों को बताया था टाइप कम्युनिकेशन के, तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था तीन प्रकार के कम्युनिकेशन, नाम बताइए जल्दी से, जिसमें हायरार्की का उपयोग किया जाता है, उनमें से एक था दिशा के आधार पर वे वाले में, बताइए।
एनीवन? लीनियर मॉडल मॉडल्स नहीं पूछ रही हूँ मैं, टाइप पूछ रही हूँ, टाइप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। डायगोनल। तो इन तीनों में से किस में हायरार्की पोजीशन आती है कि जिसमें हमें एक एक को एक बताना ही पड़ता है? हॉरिजॉन्टल में तो क्या अपने साथ के लोगों से बात कर सकते हैं, डायगोनल में भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वर्टिकल लेकिन वर्टिकल डायगोनल वर्टिकल है ना, वर्टिकल में होता है और चेन नेटवर्क में आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन ये तो जनरली फॉर्मल का भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वहां पर ग्रेप वाइन आ जाता है। आप बताओ ग्रेप वाइन किसका नाम है? विच कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि कभी कभी हम हायरार्की पोजीशन के वजह से अपने वरिष्ठ लोगों से, मतलब कि जो एकदम हमसे हायर है, उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लेक्सिबल होती है, आप बात कर भी सकते हो अगर आप उनसे बाहर मिलते हो तो, ठीक है? तो बाहर मिलते हो या फिर आपके ऑफिस का टाइम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मीटिंग में नॉर्मली सभी आते हैं तो उसमें आप बात कर सकते हो। तो दूसरा होता है हायरार्की पोजीशन की वजह से हमारी अच्छी तरीके से कभी कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता अपने डायरेक्ट सीनियर से, ठीक है? फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें कर्मचारियों के बीच अंतर का स्थान होना, मतलब कि हर बोला गया है कि तुम कर्मचारी हो तो अपने कर्मचारी से बात करो, ज्यादा ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है। जनरली आप लोग सुनते होंगे है ना कि तुम अपने लेवल पे हो ना उसी लेवल पे रहो, उड़ने की कोशिश मत करो। उनका कहने मतलब ये कि वो लोग स्टीरियोटाइप बना के रखे, उनने ऐसा बना के ही रखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में कि एक लेवल है वो लेवल केवल उसी से बात करेगा, बाकी ऊपर वाला लेवल उसी से बात करेगा। तो कर्मचारी लोग जैसे जो होते हैं जो इधर फाइल वाइल लेके जाते, चाय वाइल लेके जाते, ठीक है, वो जनरली क्या होता है उनका कि वो बेचारे लोग अपने लोगों से ही बात कर सकते हैं। ऊंचे अगर उनको कोई दिक्कत है, बॉस से सैलरी चाहिए, तो वो बात नहीं कर सकते डायरेक्ट उनसे, जब टाइम होएगा तभी उनको मिलेगा। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब, ठीक है, मतलब कि फील्ड एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है, जो जिस चीज में स्पेशल है उन्हीं लोगों से वो बात करेगा। डॉक्टर डॉक्टर से ही बात कर सकता है अच्छे से, डॉक्टर पुलिस से बात करेगा कम, दोस्त हो तो अलग बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। तो हम जिस जैसे कि दो लोग हैं हमारे क्लास में 50 लोग हैं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं हमारे क्लास में 6 लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, टोटल 4 है जिनको मराठी आती, हिंदी ही नहीं आती, ठीक है, 4 है जिनको हिंदी आती है। इनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, कल्चर क्या है, क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, सबका कल्चर सबकी लैंग्वेज अलग है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बट मैं जो कि सारी लैंग्वेज जानती हूँ, मैं सबसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ठीक है, मैं मराठी बोल सकती हूँ, मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, हिंदी बोल सकती हूँ, मलयालम बोल सकती हूँ, इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मैं आप सबसे कम्युनिकेट कर लूंगी। लेकिन आप लोग एक इंडिविजुअल वो बाकी लैंग्वेज नहीं बोल पाता, उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वो उसको प्रभाव डालेगा। तो ये भी आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, समझ में आया, ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बैरियर आते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन दे देगा आपको हायरार्की पोजीशन, एक ऑप्शन देगा स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, ठीक है, किसी का माइक ऑन है भाई म्यूट कर लीजिए, फिर आएगा रूल एंड पॉलिसी, फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स, और एक आपको दे देगा लिंग्विस्टिक का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर नहीं है। तो जो लिंग्विस्टिक वाला है जब हम आगे पढ़ेंगे वो इसमें नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीजों का उपयोग होता है, ये ध्यान रखना, आपको इनके पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर से हर बार क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज फॉलो होती है। पहली बार तो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सा भी संगठन है तो रूल पॉलिसी होगी, फिर वहां पर पोजीशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, जॉब अगर किसी की है स्पेशल तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा, फिर इन एडुकेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपर्याप्त सुविधा और अवसर, जैसे कि हमको जैसे कर्मचारी होते हैं उनके पास सुविधा भी नहीं है और अवसर भी नहीं अपनी बातों को, तो वो लोग क्या करते हैं, बात छुपाते हैं या बात बदल देते हैं। जनरली मान लो वो अब उनको बॉस की बुराई करनी है, ठीक है, अपने कर्मचारियों के साथ बैठे अपने अपने लोग से तो बात कर लेंगे, लेकिन अगर सामने बड़ा इम्प्लॉय आ गया तो वो बात चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना अवसर है ना वैसी सुविधाएं हैं चीजों को बताने के लिए, ना ऐसी पोजीशन है उनकी, तो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है उनके पास, ठीक है। दूसरा आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, इस कंपनी में स्थिरता से प्रमोशन होने से मतलब नहीं होता है, और आदि कारणों से सूचना का आदान प्रदान प्रभावित होता है, जैसे कि किसी ना किसी का प्रमोशन होना होता है और वो प्रमोशन नहीं हुआ। अब देखो आप यहाँ पर ये भी याद रखना, मैंने आप लोग को पहले ही बोला है, जरूरी नहीं कि बैरियर्स ऐसे हो कि जो केवल बाधाएं क्रिएट करें, मतलब इसका ये है कि हमारे कम्युनिकेशन को छोड़कर हमारे अन्य कार्यों में भी ये बाधाएं
क्रिएट करते हैं। मान लो प्रमोशन नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, हर ऐसे आपके कंपनी में जब आप ज्वाइन हुए थे तो आपको बोला गया था हर 3 महीने के बाद आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उनने वैसा नहीं किया। अब जब उनने वैसा नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक बाधा क्रिएट की कि आपको प्रमोशन नहीं दे रहे, तो आप क्या करेंगे, आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। इनके वजह से क्या होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान संभावित नहीं होएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये प्रभावित होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल बेरियर, ठीक है। तो मैंने आप लोग को अभी फिजिकल बेरियर, फिजिकल नॉइस पढ़ाया था, बताओ मुझे क्या होता है वो, एनीवन? जब भी मतलब अगर भूख प्यास या किसी भी कारण से कोई बाधा आती है, वो वो तो वो फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हो गया। फिजिकल मतलब मैम अगर ट्रैफिक का हॉर्न या फिर ऐसे एग्जांपल दिए थे कि अगर लाइट का प्रॉब्लम हो, अगर पुअर लाइट हो या फिर जो रोड वाले लाइट्स होते हैं तो उसका प्रॉब्लम हो तो हम स्टडी नहीं कर सकते जैसे जो वो चीजें बच्चे हमारे ऐसे। इन्वायरमेंट में है, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो चीजें, जैसे भौतिक चीजें, चाहे वो भौतिक में क्या आता है, हम जब 3 दुख की बात करते हैं, 3 दुख, उसमें आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक दुख आता है। आधि भौतिक मतलब जो हमें किसी जानवर ने काट दिया या कुछ हो गया उसके वजह से, आधि दैविक मतलब सुनामी आ गई जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, आधि आधि आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर की चीज है, ठीक है। तो फिजिकल मतलब जो इन्वायरमेंट में उपस्थित है उसके वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में लोग भी उपस्थित हैं। अब जब दो लोगों के बीच में ज्यादा अंतर होएगा प्लस वातावरण में शोर होएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर बोलेंगे, कि स्थान दोनों का दूर है और दोनों अच्छे तरीके से, और यहाँ पर बहुत तेज साउंड आ रहा है, ठीक है, तो दोनों कम क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उसको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। इसमें पहला आता है कंपीटिंग स्टिमुलस, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हिंदी में केवल इतना ही है, ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में जब पढ़ी थी तो इंग्लिश में इसके 4 पॉइंट दिए, तो हिंदी में अगर आपको पूछे लोग तो बस वातावरण में जो शोर है उसकी वजह से हमें डिस्टरबेंस होती है, तो वो फिजिकल बैरियर कहता है। तो वातावरण में जो चीजें आएंगी आपकी वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, या तो, ठीक है, आया समझ में, लाइट हो सकती है, लाइट वातावरण में होती है, या फिर सूर्य की किरणों से, या टेम्परेचर हो सकता है, ये सब कुछ आएंगे। अब मैं इंग्लिश में आपको इसको अच्छे से डिफाइन करूंगी, तो इसमें क्या आता है, कंपेटिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब जो उद्दीपक होते हैं, जो हमारी हमको उद्दीप्त करते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी सम अदर कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन सराउंडिंग एरिया, ट्रैफिक नॉइज इन अ बैकग्राउंड ऑल्सो ऑन, मतलब कि अगर दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है और बाहर से ट्रैफिक नॉइज आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा बैरियर बोलेंगे, फिजिकल 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 बैरियर, बैरियर जैसे ठीक अभी है। हम रहे हैं हाँ और बोलिए आप बोलिए, रही होगी, ये फिजिकल बैरियर अभी आवाज नहीं आई आपकी मुझे। जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक का साउंड आ रहा होगा तो आपको सुनने में दिक्कत है, या फिर हम इसको बंद करेंगे अपना माइक तो ये फिर ऐसा आपको सुनने में सुविधा होगी और हम आपकी आवाज को साफ सुन पाएंगे। वेरी गुड, जी ठीक है चलो जी, वेरी गुड, ये इसे लाइव एग्जांपल दिया इनने, ठीक है। तो वही है कि बाहर की चीजें हमें, जैसे मैं मेरे घर में, घर के पास रहती हूँ, मेरे घर पास स्टेशन है, बार बार ट्रेन का साउंड आता है, तो अभी शायद लैपटॉप में नहीं आ रहा होगा इतना, लेकिन जनरली फोन पे बात करते तो लोग पूछते हैं तू ट्रेन के बगल में खड़ी है क्या, तो इतना पास में है मेरे यहाँ से स्टेशन कि बराबर नॉइज आता है और आवाज नहीं जाती, ठीक है। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब ये नहीं कि हमको बस स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मतलब किसी ने बढ़ाया या घटाओ। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर हो गया या फिर लो टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, एकदम गर्मी लग रही है और आप उस वजह से अपना कार्य नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, दैट इज अ क्या कहलाएगा, दैट इज अ फिजिकल बैरियर कहलाएगा आपका, ठीक है, कुछ बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा आपको बात करने। मान लो आप लोग दो व्यक्ति हो, दोनों लोग धूप में खड़े होकर बात कर रहे हो, सनलाइट आ रही बराबर से, तो आप क्या बोलोगे, यार यहाँ पे बात नहीं करते, बात नहीं कर पा रहे, मन नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है, थोड़ा अच्छे से हवा में जाके बात करते हैं, थोड़ा अंदर रूम के पंखा वंखा चालू करके, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर। फिर होता है पुअर वेंटिलेशन, हवा बराबर नहीं आ रही है आपको, आप जिस कमरे में बैठ के बात कर रहे हो या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो कहीं पे भी, और वहां पर हवा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप योग करवाते हो तो योग कराने के लिए क्या बोला जाता है, वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर पूरे इतने लोग रहते हैं, तो वेंटिलेशन अच्छा हो ऐसी जगह पे हमें योग करना चाहिए। पुअर वेंटिलेशन होगा तो क्या बैरियर आएंगे, हमको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो सकता है, तो
तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहते हैं, दैट इज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिर आता है आपका सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव मतलब हमारा, हम जब इंसान के ऊपर की बात चलती, ठीक है, तो इंसान को स्ट्रेस होता है लेकिन बाहर की चीज की वजह से, दैट इज फिजिकल। याद रखना फिजियोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस में थोड़ा सा अंतर, बाहर की चीज की वजह से। हेलो, जी मैम, एक सेकेंड, हाँ मेरा, मुझे लगा ये, हाँ ओके ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको बाहर की वजह से या फिर कुछ चीज आप बाहर से इनटेक कर रहे हो उसके वजह से आपको ये स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो चीज है वो अलग बात है। अगर मैं फिजियोलॉजिकल की बात करूं तो वो ऑन गोइंग, वो होता ही रहता है हमारे अंदर, ठीक है। लेकिन बाहर की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि स्लीपलेसनेस क्यों होगी है? मान लो बाहर शादी बारात चल रही है, बैंड बाजा बज रहा है, तो आप शादियों में जाते हैं 2-3 दिन तक नहीं सोते हम, फिर जब शादी से लौट के आते हैं तो 5 दिन तक आराम से घोड़ा बेच के सोते हैं। क्यों सोते हैं भाई ऐसे? क्योंकि इतना थके हारे रहते हैं, वहां सोने को ही नहीं मिलता। अगर आप सो भी जाओगे तो इतने रिश्तेदार, अरे शादी में सोने आए हो क्या? कौन सोता है शादी में? लो भाई चले जाओ उनसे बात करो, ठीक है। तो स्लीपलेसनेस होती है। दूसरा इल हेल्थ क्यों होगी? बाहर का टेम्परेचर सही नहीं है, बाहर बहुत ठंड है और आपने आइसक्रीम खा ली और सोने में सुहाग, क्या बोलते हैं, सोने में सुहाग क्या बोलते हैं, सोने में सुहागा, हाँ सुहागा, हाँ नहीं वही, खा लिए, हाँ जो चीज नहीं करना था और उसमें एक्स्ट्रा हमने बढ़ा लिया। ठंड में आइसक्रीम खाने को मना करते हैं, हमने और खा लिया, तो हमारी तबीयत खराब हो गई। फिर इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, अगर कोई व्यक्ति बाहर से ड्रग्स लेता है या कोई मेडिसिन लेता है उसके वजह से उसको कोई प्रॉब्लम होती है वो। दूसरा मूड वेरिएशन, ठीक है, मूड वेरिएशन भी बाहर की चीजों की वजह से होता है, एंड सो ऑन, मतलब और भी चीजें होती हैं। तो ये आपको ये जो पॉइंट्स है ना, एक एक चीज इसको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर स्लीपलेसनेस आ गया तो आप क्या सोचोगे, बताओ मुझे, आप क्या सोचते ये किसके अंदर आएगा? हाँ फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल के अंदर हम सोचते, क्यों सोचते कि हम नहीं सो पा रहे? लेकिन याद रखना ये बाहर की वजह से हमको हो रहा है, इल हेल्थ बाहर की वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। भूख लगना हमारा इंटरनल है, अब ये नहीं कि बाहर बाहर गर्मी हो रही तो हमको भूख लगेगी, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर खाना पच चुका है इसलिए हमको भूख लग रही है, हमने ज्यादा काम कर लिया इसलिए हमको थकान लग रही, वो हमारे अंदर की चीज है। लेकिन जो बाहर की वजह से इफेक्ट हो रहा है, दैट इज अ फिजिकल बैरियर, जो भौतिक चीजों की वजह से हो रहा है। चौथा होता है आपका रिसीवर्स अनफेमिलियरिटी विथ मीडियम, मतलब जब रिसीवर जो हम है, जो ग्रहता है, वो अगर मीडियम के साथ अनफेमिलियर है, मतलब उसको नहीं जानता है, ठीक है। द यूज ऑफ मीडियम विथ विच द रिसिपिएंट इज अनफेमिलियर ऑल्सो कम्युनिकेटर बैरियर। जैसे कि मान लो आप लोगों के पास लैपटॉप है, मुझे लैपटॉप में मीटिंग करने नहीं आता, मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं आता, तो मैं क्या हूँ? या फिर आप, मैं तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर हो गई सेंडर जो मैं भेजे, लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों से मीट ज्वाइन ही नहीं करता था, मीट चलाते कैसे वही नहीं पता है, तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो जब व्यक्ति बाहर की चीजों से अनफेमिलियर होता है मीडियम से, वो भी फिजिकल बैरियर में आता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आपका था साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में वो अवरोध जो मन के अंदर निर्मित होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, डिसोनेंस मतलब तालमेल नहीं बैठ पाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब यह तब होता है जब आर, आर मतलब कौन हुआ यहाँ पर, रिसीवर, हाँ, इसमें रिसीवर जानबूझकर नजरअंदाज करता है मैसेज को। जैसे कि बोला जाता है कि धूम्रपान हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, फिर भी लोग सिगरेट की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, पैकेट होती है, उसमें बाहरी कैंसर वाला व्यक्ति बना रहता है, स्टिल लोग सिगरेट पीते हैं, है ना। अब तंबाकू वाले में लिखा रहेगा, एड आएगा कि तंबाकू आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मूवी देखने के पहले, ठीक है, मूवी, और वो लोग तंबाकू खाते खाते मूवी देख रहे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बोला गया है फिर भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये बैरियर एक तरीके से, कि जो संदेश हम जानबूझकर हटा रहे हैं। तो कॉग्निटिव है तो हमेशा याद रखना साइकोलॉजिकल हमारे ब्रेन से रिलेटेड होगा। अब जैसे कक्षा में बोला गया है, आप सब लोग को मैं बोलूं कि 4-5 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, अरे 4-5 तो मैम प्रेयर करवाएंगी, फिर थोड़ा टाइम लेंगी, पुराना पूछेंगी, अपन लोग आराम जाएंगे 4-10 तक, तो सोचते हैं कुछ लोग। और हम लोग एंट्री भी दे देते हैं, भैया हम क्या करें, हम तो परेशान ही है, हम दे देते हैं एंट्री, तो आते हैं लोग, जानते हैं हमको नहीं मिलेगी एंट्री, नहीं आएंगे, फिर एक दिन जब सच में नहीं मिलती ना एंट्री, उस दिन से दिमाग आ जाता है कि हाँ अब नहीं मिलेगी भाई। नहीं मैम, कभी कभी किसी किसी का दिक्कत होता है, कोई कहीं पे रहता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के करते हैं ऐसा,
दिक्कत वालों को तो चलो समझ रही हूँ, और कुछ होते हैं वो जानबूझ के ही लेट आते हैं कि अरे नहीं 4:10 पे करेक्ट एंट्री रखेंगे हम, स्पेशल VIP एंट्री, ठीक है। तो कुछ होते हैं, अरे ये ऑनलाइन की क्लास बस नहीं है, ऑफलाइन क्लास में भी आप देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आदत ही होती है लेट आने की, ठीक है। तो कुछ होते हैं ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब अंधविश्वास, एक तरीके का हम किस चीज के लिए क्रिएट कर लेते हैं, और वही मतलब कि कोई भी चीज पहले से सोच के रख लेना जो कि रियलिटी में है नहीं ऐसा, ठीक है, लेकिन सोचते हैं। किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में पूर्व धारणा बना लेना, पहले से ही सोच के रख लेना, अहंकार बस या मुझे सब पता है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब मैं आप लोग को बोलूं कम्युनिकेशन पढ़ने, इसको थोड़ा कुछ लोग हैं इसको जैसे फिजियोलॉजी बैरियर और फिजिकल बैरियर, ये दो हो गया, इसके बाद जो अभी पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं इसको स्क्रीन पे भेजिए। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। अगर आपको नहीं आता ना तो आप पहले मैसेज करोगे ग्रुप में, ठीक है, जब नहीं आएगा वो लोग बोल देंगे तब आप मेरे को माइक ऑन करके बोलोगे, ठीक है। किनको नहीं आ रहा था भाई, मैसेज करिए। किनको नहीं आ रही थी स्क्रीन, अब आ रही है क्या? अब बोलेंगे ही नहीं। हाँ जी आ रही। नहीं वो जो फिजिकल का बैरियर वो चेंज करने बोल रहे थे, तो अभी जैसे नीचे चल रहा बैरियर, है अभी वाइट लगा है, अभी आपका आ रहा है। हाँ ठीक है। अब आता है आपका स्टीरियोटाइप, मतलब कि लोग कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं आप यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊं फाउंडेशन ऑफ योग, ठीक है। अब फाउंडेशन ऑफ योग बहुत लोग पढ़े होंगे अपने मास्टर्स में पढ़े हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊँ हठ योग प्रदीपिका, तो हठ योग प्रदीपिका लोग पहले से पढ़ के आए हैं MSc में, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं पढ़ाऊंगी ना तो नहीं आएंगे, अरे मेरे को तो सब पहले से आता मैं क्या करूंगी, उनकी पूर्व धारणा। और मैं उसी में कुछ ऐसा चीज बता दूं जो वो कभी नहीं पढ़े हैं तो उनकी पूर्व धारणा समाप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि हमको सब पता है, हमको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा समझ के मैसेज को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। जैसे योग और साइकोलॉजी की तुलना करना बाधा उत्पन्न है, लोग क्या सोचते हैं कि दोनों एक जैसा है, इस पे हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत बैरियर उत्पन्न होगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा ये वो, लेकिन करके नहीं देखना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो योग में कुछ पार्ट ही साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और कुछ पार्ट योग में आपका फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, मतलब योग होलिस्टिक हेल्थ पे वर्क करता है, साइकोलॉजी आपके मेंटल हेल्थ पे वर्क करती है। एक तो पहले बहुत बड़ा कंपैरिजन यही है, लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये पढ़ना ही है, मैंने तो पढ़ चुके हर हर बार, कुछ मुझे समझ में नहीं आया। तो ये चीजें होती है अंदर व्यक्ति के अंदर, जब अहंकार हो जाता है कि मुझे सब पता है मैं क्या पढ़ूंगा करूंगा पढ़ के, और कुछ पूर्व धारणा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक बार किसी ने मैगी बनाया, ठीक है, अपने घर में आप मैगी बनाया, आप कोई भी डिश बनाया अपने घर में पहली बार बनाया और वो अच्छी नहीं बनी, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे अपने घर में, मैं एक बार बनाई थी, आपको दोबारा वो चीज बनाने को दी जाए तो आप बोलोगे अरे मैंने एक बार बनाया था मेरे से बिगड़ गया था अब मैं नहीं बनाऊंगी। आपने वो बना के रख लिया अपने अंदर कि आप सब बनेगा ही नहीं जिंदगी में कभी। या फिर आपने कोई चीज खा लिया, मान लो आप किसी शॉप में गए, कोई नई नई शॉप खुली है, आप वहां पर जाके मैगी खाए, ठीक है, आपको वो पसंद नहीं आई। अब आप सबसे जाके क्या बोलोगे, वहां की मैगी मत खाना, अरे भाई शायद ऐसा हो कि उस बार वो नहीं बना पा रहा हो, अगले बार बना ले। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं जो हमको मैसेज सही तरीके से ट्रांसफर करने नहीं देते हैं, दैट इज अनदर बैरियर, ठीक है। फिर आता है आपका डिफेंसिव एटीट्यूड एंड क्लोज्ड ब्रेन, मतलब कि रक्षात्मक व्यवहार और मंद बुद्धि, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये तब उत्पन्न होता है, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूँ, जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हो वो, और ये तब होता है जब आप एक यंगर स्टेज में होते हैं, जैसे कि 25 साल के एज में। तो अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे ना कि आप बेटा ये थोड़ा ये सुधर जाओ ये कर लो, तो क्या बोलेगा, मैं नहीं, मुझे सुधारने की कोशिश मत करो, मैं जैसे जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, और बात को मानते ही नहीं लोग, ठीक है, मैं नहीं कर सकता। आपको कुछ बोला जाए कि आप ये करके देखो, नहीं मुझे नहीं करना, मुझसे हो ही नहीं सकता, तो ये क्या करते हैं लोग, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मतलब ये रक्षात्मक व्यवहार है, डिफेंसिव एटीट्यूड है खुद के लिए, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि योग की ये प्रैक्टिस अपने फ्रेंड के साथ करके देख, या फिर जब जनरली आपके घर में आपके फ्रेंड्स आते हैं तो मम्मी पापा कंपैरिजन जनरली ये बोलते हैं कि देख वो लड़का कितना अच्छा है, वो अच्छा ड्राइंग बना पाता है, या फिर वो अच्छा डांस कर पाती है, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ रहने दो उसको जैसे रहना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, है ना। तो
ये उन जबकि उनको क्या बोलना चाहिए, हाँ मैं भी वैसे बनने की कोशिश करूंगी, तो ये अच्छी बुद्धि को दर्शाता है, लेकिन मंद बुद्धि क्या दर्शाता है कि मैं जितना है मेरे पास उतने में मैं बढ़िया हूं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डिफेंसिव एटीट्यूड, इसकी वजह से भी हम जो चीजें जानने लायक है वो भी नहीं जान पाते। जनरली ऐसा कब होता है, जब आपके कॉलेज में कोई कॉन्फ्रेंसेज होने वाली रहती, ठीक है, जैसे कि आप किसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में जाते हो, वहां का टॉपिक है आपका सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है, मान लीजिए सूक्ष्म व्यायाम टॉपिक है, और आप क्या बोलो ये तो मेरे को आता है, क्या करूंगी मैं जाके वहां पर, है ना। और या फिर आपको बोला जाए कि आप वहां पर कुछ कुछ चीजें, मतलब कि हम क्या करते हैं, अपने आप को कंजर्वेटिव बना लेते हैं, अपना विकास नहीं करना चाहते, दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर आता है आपकी सेल्फ इमेज, आत्म छवि, ये तब होता है व्यक्ति उन्हीं मैसेज को अहमियत देता है जो उसकी इमेज को बढ़ाते हैं, नकारात्मक मैसेज को नहीं। मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ने बोला यार तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बाल तो बहुत सुंदर लग रहे, तो आपको क्या लगा, अरे हाँ ये तो मेरी छवि बढ़ा रहे, मेरी इमेज बढ़ा रहे, तो आपने बाल पे ध्यान। एक बोला कि नहीं बाल तो अच्छे तेरे, लेकिन तू इस समय थोड़ा तेरा बिहेवियर सही नहीं है, आप उसके मैसेज को निग्लेक्ट कर दोगे, आप क्या बोलोगे, तू तो हमेशा ऐसे बोलती है, ये तो काम ही है मेरी बुराई करना। तो हम क्या करते, अपने सेल्फ इमेज के लिए सिलेक्टिव चीजें ग्रहण करते हैं, और हमें जो ऐसा होता है नकारात्मक, उसको हम हटा देते हैं। जबकि आप मान लो कभी कोई टेस्ट देते हो, टेस्ट में किसी के ज्यादा नंबर आए किसी के कम नंबर आए, ठीक है, तो जिसके ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है, और जिसके कम नंबर, तो कम नंबर वाले को हम क्या बोलेंगे कि आपका ये पोर्शन अच्छा था फर्स्ट पेपर का, लेकिन आपने सेकेंड पेपर में थोड़ा सा गलती कर दी, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट तो अच्छा है ना, बस मैं फर्स्ट को अच्छा बना लूंगी, आपका ये आंसर आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। फिर आता है आपका फिल्टरिंग, निस्पंदन, इसमें क्या होता है, हम जो चीज पहले से सुने होते हैं या हमारे दिमाग में पहले से फ्रेम बना होता है उतना ही हम सुनने की कोशिश करते हैं। फिल्टरिंग मतलब छन गया है, उससे ज्यादा हम नहीं भर सकते अपने दिमाग में, ठीक है, तो एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना के रखते हैं हम कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो दीज आर साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो हमारे माइंड सेट से रिलेट होती है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर था। अब हम आते हैं आपका लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैरियर्स में, ठीक है, लिंग्विस्टिक और कल्चर बैरियर्स की हम बात करते हैं, तो दो लोगों की भाषा अलग होना या भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होना, दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, लेकिन दो लोगों की भाषा अलग है, ठीक है, और एक लोग तो चलो थोड़ा थोड़ा तो कंबाइन कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ज्यादा ही क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करते तो भी समझ में नहीं आता। अब देखिए जैसे तेलुगु लैंग्वेज है, ठीक है, तेलंगाना के लोग जो तेलुगु बोलते हैं वो थोड़ा समझ में आती है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश के लोग यूज करते हैं तेलुगु लैंग्वेज वो थोड़ा टफ होती है, क्यों, अब क्योंकि एकदम उनका स्लैंग ही है। तो आंध्र की अभी पुष्पा मूवी किसने किसने देखी है, पुष्पा मूवी देखी है, बहुत लोग ने देखी है ना। तो पुष्पा मूवी का जो रियल मूवी है जो तेलुगु में है वो क्या है, वो आंध्रा की स्लैंग है, तो वो तेलुगु लोग भी उसको नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इतनी हाई स्लैंग है, तो लिंग लैंग्वेज के वजह से वेरी। तो हम क्या करते हैं, अब हमको देखना तो है, लोगों ने बोल दिया पुष्पा मूवी बढ़िया है देखना एक बार, अब हमको लैंग्वेज ही समझ नहीं आई तो क्या देखेंगे भैया, तो हम सब टाइटल लगाते हैं, सब टाइटल का वेट करते हैं कि जब सब टाइटल वाली आएगी तब हम देखेंगे, तो लैंग्वेज बैरियर वो कहलाता है, उसके वजह से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आप एक्टिंग तो देख लोगे कि कर क्या रहा है, आप बोल क्या रहा है वो तो समझ नहीं आएगा आपको, है ना, तो वो चीजें भी लिंग्विस्टिक बैरियर में आपकी आती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट, इसमें दो व्यक्तियों की संस्कृति अलग होने की वजह से या फिर कल्चर, ये भी दो प्रकार के होते हैं, सॉरी ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इनको आप अच्छे से, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना भाई, ठीक है, क्यों, और ये आप लोग को जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगी तब भी आपको आएगा, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर मतलब होता है जब हम किसी शब्द के वजह से बैरियर या बाधा उत्पन्न होती है उसको हम सेमेंटिक बैरियर कहते हैं। इसमें दो टाइप है, ठीक है, अब मेरे को इसका हिंदी में नाम नहीं पता और हिंदी में शायद ऐसा पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कर लेना क्यों तक है। एक होता है डिनोटेटिव, एक होता है कोनोटेटिव, ठीक है, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। डिनोटेटिव मतलब क्या होता है, एक शब्द का दो अर्थ होने के कारण, दो अलग अलग अर्थ होने के कारण हम नहीं समझ पाते। मान लीजिए हमारे यहाँ, हाँ मैं जैसे हूं, मैं बघेलखंड साइड की, मध्य प्रदेश में भी दो एरिया है, बघेलखंड और बुंदेलखंड, ठीक है। अब देखो बघेलखंड मतलब रीवा साइड का एरिया है, जो इधर साइड के, जो रीवा नदी के साइड है ना, तो हम लोगों के साइड गंजी मतलब बर्तन होता है, बर्तन मतलब एक बाउल होती है, गंजी मतलब, ठीक है, तो
लेकिन बुंदेलखंड साइड, जो जैसे जो जबलपुर का एरिया है या जहां नर्मदा जी का उद्गम है ज्यादा, उधर साइड गंजी मतलब होता है बनियान, ठीक है। अब मैं बोलूंगी मेरी फ्रेंड से जो जबलपुर साइड होगी कि बहन गंजी लेके आ जा, तो वो क्या लेके आ जाएगी, वो बनियान उठा के ले आएगी। और मेरे लिए गंजी का मतलब क्या है, बाउल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शब्द के दो अर्थ हैं, दो अलग अलग अर्थ हैं। शब्द एक है गंजी, लेकिन अर्थ क्या है दो, हेलो, अलग 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 अलग, समझ में। तो इसको हम बोलते हैं डेनोटेटिव बेरियर, और ये कल्चर के डिफरेंस की वजह से होता है जनरली, ठीक है। दूसरा होता है कोनेटेटिव बेरियर, एक अर्थ के लिए दो शब्द बोले जाते हैं, कि किसी चीज का केवल एक ही अर्थ है, ठीक है। जैसे कि कैसे बोलूं, अरे अरे, हिम हिम का मतलब, देखो हिम का मतलब भी बर्फ होता है, बर्फ का मतलब भी बर्फ होता है, लेकिन कोई लोग हिम बोलते हैं, कोई बर्फ बोलते हैं, मतलब कि अर्थ एक है लेकिन दो शब्द के कारण हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेनोटेटिव और कोनोटेटिव में अंतर याद रखना। डेनोटेटिव में हम दो वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि डी है दो अलग अलग शब्द के, दो अलग अलग अर्थ के कारण। शब्द एक है गंजी, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर अर्थ एक है लेकिन दो शब्द बोले गए हैं, समझ में आया थोड़ा सा डिफरेंस जी मैम। जी। तो ये याद रखिएगा। दूसरा होता है क्रॉस कल्चर, दो अलग अलग संस्कृति होने की वजह से भी हम लोगों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बोलना चाहिए, बैरियर पाया जाता है। जैसे कि जनरली देखा जाए, किसी किसी संस्कृति में क्या होता है, सूट अलाउ है, और कुछ कुछ संस्कृति में साड़ी ही अलाउ, ठीक है, कि शादी में साड़ी ही पहनना है। और कुछ कुछ संस्कृति में, जैसे पंजाबी लोग सूट प्रिफर करते हैं पहनना, और हमारे साइड लहंगा या साड़ी प्रेफर करते हैं। अगर हमारे साइड कोई लड़की सूट पहन लेगी तो बोलेंगे ज्यादा स्टाइलिश बन रही है ना, तो वो लोग ये बोलेंगे। और बाहर साइड क्या है, वहां सूट ही चलता है पहनाव में। तो क्रॉस कल्चर में ये होता है, हमारे अलग अलग संस्कृति के कारण भी कुछ कुछ चीजें बेरियर क्रिएट करती हैं। तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हाई कंटेक्स्ट एंड लो कंटेक्स्ट। कुछ देश जो होते हैं हमारे पूरे भारत में, 195 देश, भारत बोलिए, पूरे वर्ल्ड में 195 देश हैं अभी जो मुझे पता है, ठीक है। अब उनमें से भी कुछ ऐसे देश हैं जो हाई कंटेक्स का यूज करते हैं, कुछ देश हैं जो लो कंटेक्स का। अब इसका मतलब क्या होता है, लो कंटेक्स मतलब होता है जो चीज जितना कहा गया है उतना ही मानना, ठीक है। मैं आप लोग को बोलूंगी स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मतलब केवल स्टैंड अप आपके लिए, है ना। लेकिन हाई कंटेक्स में क्या होता है, स्टैंड अप बोला गया है तो मैं वहां पर नॉन वर्बल का भी यूज करूंगी। नॉन वर्बल मतलब मैं अपने हाथ को बोलूंगी स्टैंड अप, ठीक है। प्लस मेरी फीलिंग है कि आपको खड़े होना है, और आपको क्या है, फीलिंग है कि खड़े होना है। तो लो कंटेक्स्ट में केवल हम अर्थ समझते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम केवल प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन हाई कंटेक्स्ट में हम प्रोफेशनल के साथ इमोशनल भी होते हैं। अब बताओ हाई कंटेक्स्ट मतलब और लो कंटेक्स्ट मतलब समझ में आया, इतना बस, इतना आया समझ में। हेलो हेलो, मैम फिर से एक बार यस मैम। बताइए। देखो लो कंटेक्स्ट मतलब, लो मतलब क्या समझते हो, आपकी कोई चीज है उतने में उसको उतना ही समझना। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर मैं आप लोग को पढ़ाई करवा रही हूँ अभी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे 10 पेज की पीपीटी को एक बार में केवल पढ़ दिया, और आप लोगों को उतना ही मानना है कि हाँ ये है, इसका ये होता है। लेकिन अब मैं उसको आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता रही हूँ, कुछ मैं अपनी एक्टिविटी करी हूँ हाथ की, या नॉन वर्बल, या सेटअप, या कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई कंटेक्स्ट। जनरली क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटीज जो होती है, पहले इंग्लिश वाला देख लो फिर बताती हूँ, पहले लो कंटेक्स्ट नीचे वाला देखना फिर ऊपर वाला देखना। लो कंटेक्स्ट कल्चर, ठीक है, कल्चर की बात कर रहे हैं। दो कल्चर होते हैं, एक लो कंटेक्स्ट कल्चर, एक हाई कंटेक्स्ट कल्चर। लो कंटेक्स्ट में क्या होता है, ये हैवली, ये रिलेज मतलब ये किस पे फोकस करते हैं, हैवली ऑन वर्ड टू कन्वे मीनिंग इन अ कम्युनिकेशन। ये जनरली वर्ड का उपयोग करते हैं कम्युनिकेशन में। अ फ्यू वर्ड कैन कम्युनिकेट अ कॉम्प्लेक्स मैसेज वेरी इफेक्टिवली इन अ ग्रुप। आप इंग्लिश पढ़ते हो और हिंदी पढ़ते हो, है ना। अभी जैसे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़ाया था आप लोगों को, दिखा यहाँ पर, दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पहला पॉइंट जी दिख मैम। रहा है। अब मुझे इंग्लिश में आपको समझाना है, तो मैंने केवल लिख दिया रूल एंड पॉलिसी। आपको इतना समझ में आ गया, रूल एंड पॉलिसी इंग्लिश में, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में समझा रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, संगठन में किसी बात करने के लिए नियम होते हैं जिसका पालन अनिवार्य होता है, और हम बातों को नहीं सुन पाते। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको चीजों को समझाया भी,
नॉन वर्बली, और मेरी कुछ फीलिंग भी है यहाँ समझाने की। लेकिन अगर हम लो कंटेक्स्ट की बात करें तो वहां पर वर्ड छोटे होते हैं, मीनिंग ज्यादा होता है। जैसे कि लेट्स गो, चलो चले, ठीक है। अब अगर आपको हिंदी बोला तो चलो चलते हैं अपन, या फिर चलो चलिए, या फिर कोई वर्ड कम ऑन, आइए इधर, इस ऐसे यूज करते। लेकिन हम हिंदी में जैसे यू है, इंग्लिश में यू मतलब क्या होता है, आप भी होता है, तुम भी होता है, तू भी होता है ना। लेकिन हिंदी में अगर आप करोगे ट्रांसलेट, तो आप हम किसको बोलते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं। तुम किसको बोलते हैं, जो थोड़ा हमसे थोड़ा मतलब हमारे एज के ही है, लेकिन थोड़ा अजनबी टाइप होते हैं। तू किसको हम बोलते हैं, जो एकदम हमारे फ्रेंडली होते हैं। तो समझ में आए हिंदी में क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड होता है, इसलिए बोलते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ तो सकते हो, लेकिन अपने इमोशन व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में अपने इमोशन व्यक्त कर सकते हो किसी को, इंग्लिश में इमोशन व्यक्त नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। आया समझ में इतना, लो कॉन्टेक्स्ट मतलब। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अ फ्यू वर्ड कैन कम्युनिकेट अ कॉम्प्लेक्स मैसेज वेरी इफेक्टिवली एट इन द ग्रुप। इन ग्रुप इज वंस ओन कल्चर। अगर सेम ग्रुप के लोग हैं तभी वो लो कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, बट लेट इफेक्टिव आउटसाइड दैट ग्रुप, ठीक है। लो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में कुछ चीजें हैं जो कि हमें समझ में आती है, तो एक जैसे लोग हैं उसको समझ लेंगे, लेकिन आप बाहर के ग्रुप से मिलोगे तो वो आपको काम नहीं आएगी। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटर नीड टू बी मच मोर एक्सप्लिसिट। मतलब कि जो कम्युनिकेटर होता है वो एक्सप्लिसिट होता है, मतलब बाहर की चीजों को हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें कौन से कल्चर आते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी आती है। वेस्टर्न सोसाइटी ना पाश्चात्य सभ्यता के लोग, जैसे हमारा अमेरिका, अमेरिका हो गया, इधर के लोग क्या करते हैं जनरली, ये केवल एक वर्ड बोलते हैं, उसी में सारे मीनिंग को करते हैं। लेकिन अमेरिका के लोगों की बात यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती। अब हम बात करते हैं हाई कंटेक्स्ट की। इन द कल्चर दैट रिलेज हैवली ऑन नॉन वर्बल एंड सटल सिचुएशन क्यूज ऑफ कम्युनिकेट। हम हमारे इंडिया में एक चीज तो है बहुत अच्छी, हम जो वर्ड बोलते हैं उनको हम इशारों से भी समझा सकते हैं किसी को। चुप हो जाओ के लिए हम क्या यूज करते हैं, चुप हो जाओ के लिए क्या यूज करते हैं, मुंह पे हेलो, सिगार यूज तर्जनी करते, उंगली, उंगली को होठों मुंह पे रखना। पे रखना। पे रखते हैं। गुस्सा है किसी से तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हाथ साइज का बड़ा उठाते, करना। आंख बड़ा कर लेते हैं। मतलब किसी को हम गुस्से में देख रहे हैं कि तुम शांत हो रहा हो तो भी हम आंख बड़ा कर लेते हैं। किसी से शर्माते हैं तो हम क्या करते हैं, आंखें और सर नीचे करना, नजर आंखें झुकाते नीचे हैं, करना। नजरें झुकाते। किसी से डरते हैं हम तो क्या करते हैं, नजरें नहीं मिलाते हैं किसी, ठीक है। हाथ मिलाते हो, आप अजनबियों से हाथ मिलाते हो तो कैसे हाथ मिलाते हो, ये एक बुक है मेरे पास, मैं मुझे याद नहीं आ रहा नाम, साइकोलॉजी में, कि हाउ टू रीड अ पर्सनैलिटी। उसमें आपके हैंडशेक 12 प्रकार के बताए गए हैं। आप किसी से हाथ मिला, जैसे ये मेरा किसी का हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इतना हाथ मिला के बस आप बात कर रहे हो तो वो आपके लिए अजनबी इंसान है। आपके अंगूठे से ये अंगूठा क्रॉस हो रहा है, मतलब आप किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से जानते हो, और क्रॉस करने के बाद 3-4 बार शेक किया गया, मतलब वो राजनीति वाले लोग हैं, वो आपके ऊपर, वो जनरली आप देखते हो राजनीति में, जो पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, हाँ जी और बताइए, 3-4 बार शेक कर लेंगे हाथ, तो उसके बाद ही हाथ छोड़ेंगे वो, जैसे ठीक है। मोदी जब आते हैं, हाँ हाँ मोदी जब अदर कंट्रीज के उनसे मिलते हैं। हाँ तो वो प्रणाम या फिर, और जनरली हम क्या करते हैं, एक और क्या होता है कि जब हम किसी के ऊपर अपना राज चलाना चाहते हैं, तो जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो अपने हाथ को टिल्ट करके अपना हाथ ऊपर रखते हो, उसका हाथ नीचे रखते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को सुपेरिटी दे रहे हो सामने वाले से, लेकिन जब आप अपना हाथ नीचे रखते हो तो आप उसके सामने कृतघ्न हो। तो ये अलग अलग टाइप के बहुत तरीके के सिंबल्स होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये बता दे कि हम अपने साथ क्या इमोशन दिखा रहे हैं, तो हमारे यहाँ इसलिए हर वर्ड के लिए अलग अलग इमोशन भी होते हैं। आया समझ में हाई कंटेक्स्ट का। हाई कंटेक्स्ट मतलब चीजें बहुत ब्रॉड हैं, हमारे पास छोटी चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये कहाँ पर यूज किया था, देखो इसमें हम सिचुएशनल क्यूज का यूज करते हैं। अलॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट आंसर्ड, मतलब इसमें, बट इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द मेंबर। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें बिना बोले बोलते ना, कि तुमने जो नहीं बोला मैंने सुन लिया, मतलब कि व्यक्ति नहीं बोलता है फिर भी लोग समझ लेते हैं उसकी बातों को। जैसे कि हाथ मिलाकर नजरे नीचे झुका लेना, मतलब क्या हुआ,
जनरली मैं थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बता रही हूँ, बताइए हाथ मिलाकर नजर झुका लेना क्या होता है? एनीवन, किसी से हम दोस्ती के बारे में शर्मा गए उससे, हम उसके सामने ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, तूने जो ना कहा वो मैंने सुनता रहा, वो गाना है ना, कौन सी मूवी का गाना है? कोई मूवी का गाना है भाई, देखो मूवी के बहुत सारे मैं आप लोगों को वो दूंगी, तो इसके लिए आप परेशान ना होए, मूवी का एग्जाम्पल देते रहते हैं, है ना? तो ये हुआ, ये हाई कंटेक्स्ट का रहता है। इसमें एशियाटिक सोसाइटीज आती हैं, जो एशिया में आते हैं जनरली। एशिया में कौन कौन सा था हमारा? इंडिया आता है, सऊदी अरेबिया आता है, जापान आता है। तो अब जनरली देखना जापान में भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक है? तो सायोनारा और ये सब कुछ होता है। तो एशियाटिक सोसाइटीज में इंडिया, सऊदी अरेबिया और हमारा जापान आता है, जो कि प्रोमिनेंट होता है हाई कंटेक्स्ट कल्चर के लिए। समझ में आए इतना? जी मैम। हेलो जी, अब ये आप लोग का मैकेनिकल करवा के फिर हम एंड करेंगे। अब आता है हमारा मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब जो कि उपकरणों की वजह से हो रहा है, जैसे कि पेन पेपर सही नहीं होने के कारण लिखावट खराब होना, पेन खराब चल रही है या फिर पेपर का क्वालिटी लो है तो लिखावट चल रही है। फिर इंटरनेट नेटवर्क कम होना, अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, नेटवर्क चला जाए तो ये मैकेनिकल बैरियर हो गया। टेलीफोन लाइन सही नहीं होना, तो दीज आर द मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स कैन एग्जिस्ट इन बोथ इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। ये सभी जगह होता है, दो लोगों से बात करने में भी, इंटरपर्सनल में भी और मास कम्युनिकेशन में भी होता है ये, ठीक है? देयर कैन बी डिफिकल्टी इन रिसेप्शन और सम एलिमेंट्स ऑफ द मैसेज मे नॉट रीच द डेस्टिनेशन। कभी कभी क्या होता है, हम हमारे तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं या फिर हम नहीं पहुंचा पाते हैं चीजों को जिस जहां तक उसको जाना था, मैकेनिकल बैरियर की वजह से। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं। मान लीजिए आप किसी फेयरवेल हो रहा है या आपका फ्रेशर पार्टी हो रही है, वहां पर माइक नहीं है आपके पास और आपको बोलना पड़ रहा है, तो दैट इज क्या बोलेंगे उसको हम? मैकेनिकल बैरियर। और माइक है, लाइट चली गई, तो वो क्या है? वो भी बैरियर है। हाँ, वो भी मैकेनिकल बैरियर है। बैरियर तो है लेकिन मैकेनिकल बैरियर, ठीक है? चैनल नॉइज इज अ टेक्निकल टर्म। इसके लिए कौन सा टेक्निकल टर्म यूज किया थी ये याद रखना, मैकेनिकल बैरियर के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज की जाती है उसको हम कहते हैं चैनल नॉइज। क्या बोलते हैं? चैनल नॉइज। इसको तब बोलते हैं जब कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस आता है हमको मैसेज को ट्रांसमिट करने में। मैसेज जब हम ट्रांसमिट करते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं और बीच में जो डिस्टरबेंस आ जाता है उसको हम चैनल नॉइज कहते हैं या फिर मैकेनिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है? ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। वर्क प्लेस मतलब हम जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहां पर बहुत प्रकार के और बैरियर्स आते हैं, जिसमें एक होता है लैंग्वेज, ठीक है? कि द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। कि एक ही मैसेज एक व्यक्ति अलग अलग लैंग्वेज में बोलता है तो समझ में नहीं आता। तो वर्क प्लेस में क्या होता है, ये एक अच्छी क्वालिटी भी है, बुरी क्वालिटी भी है। कि एक व्यक्ति को सारी लैंग्वेज आती है तो वो सबसे हर लैंग्वेज में बात कर सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना गुजराती से वो मराठी में बात कर ले, ठीक है? मैसेज करना गुजराती फ्रेंड को, मराठी फ्रेंड को मैसेज कर दिया। तो ये वर्क प्लेस मतलब जहां आप ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हो तो वहां लैंग्वेज एक बैरियर का काम करता है। दूसरा होता है परसेप्चुअल बायस। बायस मतलब भेदभाव। इट प्रिवेंट अस टू लुक एट द रियलिटी ऑफ ट्रूथफुल मैनर। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बॉस का बेटा ही वहां का सीईओ है ना, और बॉस दूसरा बेटे का फ्रेंड मतलब मान लो वहां का एम्प्लॉय है या वो भी एक सीईओ है, साथ का को सीईओ है। अब कंपनी में कोई चीज खराब हो गई बॉस के बेटे की वजह से, वो अपने बेटे को नहीं डांटेगा, वो किसको डांटेगा? को सीईओ को। क्यों डांटेगा वो उसको? क्योंकि भाई उसने भेदभाव कर दिया। तो इसमें क्या होता है, ट्रूथफुलनेस कम हो जाती है, रियलिटी भी कम होती है, ठीक है? द मोस्ट कॉमन परस्पेक्चुअल बायस आर स्टीरियोटाइपिंग। इनमें क्या आता है, वही है कि स्टीरियोटाइपिंग आता है जब व्यक्ति पहले सोच के रखता है। प्रोजेक्शन मतलब किसी एक को पॉइंट करके रखता है कि उसी उसी को बोलना है, ठीक है? या आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस मतलब कि खुद में ही, जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ इमेज की वजह से भी ये बायस आ जाते हैं। बायस मतलब भेदभाव आना, ठीक है? फिर होता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। आवर परसेप्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज अभी जो करते हैं, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षण, हम आज जो भी कर रहे हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होता है, ठीक है? विद द कम्युनिकेटर, मान लीजिए आप, जैसे जनरली होता है कुछ लड़कियां, ठीक है? अब वो लोग बचपन से ही लड़कों से बात नहीं की है, तो वो लड़की ने कभी बात कर ली होगी किसी लड़के से, अब उस लड़के ने क्या किया, उसको पूरा बुरा बोला, तो उस
वो क्या सोची कि अब आज के बाद मैं लड़कों को फ्रेंड नहीं बनाऊंगी। अब उसको ऑफिस में ऐसे बॉस भी उसका लड़का ही था और जो उसके कलीग्स हैं वो भी लड़के ही हैं, तो वो उनसे बात नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बुरे थे बॉयज के साथ। वैसे बॉयज के साथ होगा, मान लो उनकी कोई फ्रेंड्स रही होगी, कुछ चीट कर दी होगी उनके साथ, तो जनरली वो बात नहीं करते। तो ये चीजें आती है इन पर्सनल रिलेशनशिप में। द सेम कम्युनिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी में बी परसीव डिफरेंटली देन द फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट और कलीग। ये सब ये कहाँ पाया जाता है? जनरली हायर अथॉरिटी के बीच में पाया जाता है और कलीग्स के बीच में भी ये पाया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। फिर कल्चर डिफरेंस आता है। वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स डिसअपीयरिंग ऑफ द बेसिक मोटिव्स वैल्यू। सबके अलग अलग मोटिव्स होते हैं, सबके अलग वैल्यूज होते हैं, सबके अलग अलग एसेंशियल होते हैं, सबके अलग अलग एस्पिरेशन होते हैं, जो पूरे अक्रॉस कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग ऑपरेट होते हैं। तो ये चीजें हमारी बेरियर्स कहलाती है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इनके पॉइंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं हाई कंटेक्स्ट कल्चर, जो हाई कंटेक्स्ट है वो किस बेरियर के अंतर्गत आएगा, हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट, तो बताइए किस में आएगा? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। वेरी गुड। ठीक है, मैं आपसे पूछूं स्टीरियोटाइप एंड सेल्फ इमेज किस में आएगा, बताइए। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हाँ, मैं पूछू बैड हैंड राइटिंग किस में आएगा, बैड मैकेनिकल मैकेनिकल हैंड। वेरी गुड। हाँ, मैकेनिकल। तो आप लोगों को यही याद करना, और ये क्वेश्चन इस बार नेट में पूछा गया था, आप लोग से आगे भी पूछा जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, आप लोग एक चीज तो देखो, हमेशा ना जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो चीज आ गया है वो हम क्यों प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं, जो चीज आगे वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उसके आगे पीछे की चीज आ जाती है नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। तो आप लोग देखना, जब आप कंपेरेटिवली जब पढ़ोगे लास्ट में, तो देखना कि इस वाले में क्या है, दूसरे वाले में उससे थोड़ा आगे पीछे की कोई चीज आई होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। अगर इस बार फिजिकल बैरियर शायद पूछा था, अगर ये पूछा है तो नेक्स्ट टाइम लिंग्विस्टिक पूछ सकता है, हाई कंटेक्स्ट लो कंटेक्स्ट पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट होता, कल हम पढ़ेंगे मास मीडिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ गौरव जी, पूछिए। डाउट तो बहुत है जी। डाउट है, अब पढ़ोगे तभी तो डाउट जाएगा। अभी डाउट है, एक बार खुद से भी पढ़ो। ठीक है, डाउट रहेंगे। मैम जी एक्चुअली 1 मिनट बता रही। एक्चुअली नोट भेज दीजिए मैम, नोट्स बनाना है। नहीं नहीं नोट्स नहीं, मैम कुछ पूछना था। अरे सॉरी मैम। हाँ पूछिए पूछिए। मैम प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने पढ़ाया था, तो उसमें बताया हाँ था कि मतलब उसमें जो मेजर 5 फैक्टर्स होते हैं है ना, तो आप बताए थे टीचर स्टूडेंट और ये सारे होते हैं, पर जब नेक्स्ट लाइन में उसमें लिखा था दीज आर 6 इफेक्ट और कैन बी कंट्रोल्ड बाय 4 मेथड। दीज आर 5 एंड कंट्रोल्ड बाय 4 मेथडोलॉजीज, हाँ बताती हूँ, है ना। तो तो देखो लेकिन ये तो है तो कई सारे टीचर स्टूडेंट मैसेज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स मीडिया लर्निंग एनवायरनमेंट मैं ये बता रही 5 हूँ। कहते हुए। देखो सुनो, पहले पहला होता है हमारा टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, तीसरा होता है मैसेज, चौथा होता है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया, ये एक साथ है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मेथड और मीडिया। फिर पांचवा है आपका लर्निंग एनवायरमेंट्स। आप मेथड और मीडिया को अलग अलग मत पढ़ना, वो एक साथ है दोनों, टीचर स्टूडेंट मैसेज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया, फिर लर्निंग एनवायरमेंट। इन पांचों को नियंत्रण करने के लिए 4 सिद्धांत दिए गए हैं। ये पांचों के लिए 4 प्रिंसिपल दिए गए, सबके लिए नहीं। तो टीचर के लिए टीचर का प्रिंसिपल दिया गया है, स्टूडेंट के लिए प्रिंसिपल नहीं दिया गया क्योंकि वो टीचर के अंदर कथी आता है। ठीक है, कि टीचर जैसा बिहेव करेगा वैसे स्टूडेंट के ऊपर असर पड़ेगा। मैसेज के लिए मैसेज डिजाइन दिया गया है, इंस्ट्रक्शनल मेथड के लिए दिया गया है सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरमेंट्स। तो ये 4 आपके प्रिंसिपल दिए गए हैं, 5 कारकों को फैक्ट, जो 5 चीजों को इफेक्ट करते हैं। आया समझ में योग सुबोध जी? यस मैम यस मैम। जी गौरव जी, अब जैसे ये स्टीरियोटाइप है और आपने बताया मैकेनिकल मशीन वाले में कि इम्पर्सनल हाँ रिलेशनशिप है, तो आपने उसमें दिया शॉप का एग्जांपल इंपर्सनल कि वो हम मशीन किसी वाले शॉप में पे गए। नहीं हाँ है।
अरे अरे ये अरे हाँ रुको रुको, मतलब पहले सुन लो, पहले इम्पर्सनल मशीन में नहीं है। मैंने क्या लिखा है कि वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस मतलब हम जहाँ काम करते हैं, मैकेनिकल के नीचे एक लाइन लिखी है वर्क प्लेस वाला, हम जहाँ काम करते हैं वहां कैसे कैसे बैरियर उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसमें एक आपका लैंग्वेज है, एक बायसनेस है, एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, एक कल्चर डिफरेंस है, उसमें है वो, ठीक है ना। द वेरियस कम्युनिकेशन बैरियर्स एट वर्क प्लेस, जो हम कभी जहाँ काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो है। आप पूछिए पूछिए, भूल गए। हेलो, भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ। इम्पर्सनल रिलेशनशिप और जी ये स्टीरियोटाइपिंग, इन दोनों में एक जैसा ही लग रहा है, तो वो ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं फिर। ऐसे नहीं कंफ्यूज, आपको पूछेगा वर्क प्लेस में क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप वही है कि हम कोई चीज पहले से बना कर रखते हैं, ठीक है अपने, है ना। वैसे ही इन पर्सनल रिलेशनशिप में भी हम क्या करते हैं, हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंस है हमारे, ठीक है, जो हमारे साथ हुए हैं। स्टीरियोटाइप में जरूरी नहीं है कि पास्ट एक्सपीरियंस ही हो, हमने अपने से कोई चीज सोच ली है, किसी भी चीज के लिए पूर्व धारणा बना ली है, या हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंस भी हुआ है, दोनों चीज स्टीरियोटाइप में आती है, ठीक है। मैंने अपने मन में बना के रखा है, वो जरूरी नहीं कि मेरे साथ हुई हो, लेकिन मैंने बनाया है। मान लीजिए मैंने क्या बना के रखा है कि जैसे क्या बोलूं कि बताती मैं, कि जनरली जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे बोलते हैं ना लोग कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लोगों का स्टीरियोटाइप है ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, ये लोग ऐसा स्टीरियोटाइप बना के रखे, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर उनके सामने हम नाम दे देंगे अलग अलग, पीवी सिंधु का नाम दे दो आप, मैरी कॉम का नाम दे दो, तो जब उनको पता चलेगा तो उनकी पूर्व धारणाएं खत्म हो जाएंगी ऐसे में। तो लोग क्या बोलते हैं जनरली कि लड़कियां चूल्हा फूकने के लिए बनाई गई, मतलब कि काम धाम करने के लिए बनाई गई, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है, कुछ लोगों का। उनके वजह से उनने अपनी लड़कियों को क्या बोला कि तुम क्या करोगी आगे बढ़ के, तुम यहीं घर में रहो, शादी ब्याह करो और खुश रहो। तो उनका ये स्टीरियोटाइप क्या कर रहा है, उस लड़की को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, दैट इज अ स्टीरियोटाइप। उन्होंने जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस किया हो, इन पर्सनल में हमने एक्सपीरियंस किया होता है उस चीज को, ठीक है, या फिर हमको इनसिक्योरिटी रखती तब हम वो करते हैं। आया समझ में गौरव जी? हेलो हाँ जी, हेलो, समझ मेरी में तो आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आ रही मैम, है, जी, पर समझ बोलते में नहीं तो जी आप पहले लोग भी आ क्या रहा बात था, हो रही बस है। वो है कि जी कंफ्यूजन थोड़ी है तो पढ़ के चली जाएगी शायद मैं कोई पढ़ूँ। बात नहीं, आप लोग एक दो बार पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, और आप लोग को मैं पढ़ाऊं तो उतने में आपको नहीं रहना है कि मैम ने पढ़ा दिया बस क्लास खत्म। जाके उस जो मैंने पढ़ाया है उसको खुद से एनालाइज करिए कि वो उसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो आप लोग की वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे मास मीडिया, आज कौन सा डे है, मैम ये वो मत ट्यूसडे, बोलो, वुमेन्स डे, ट्यूसडे है आज, ठीक है। हाँ जी मयूरी जी, पूछिए, कुछ पूछ रही हैं। मैम आप ये पीपीटी शेयर करेंगे क्या आपने जो बनाई है? हाँ बिल्कुल शेयर करूंगी भाई, पढ़ना है आप लोगों को तो करूंगी, लेकिन हाँ ठीक है, ओके, मैं आज शेयर कर दूंगी, आज रात तक या कल सुबह तक, ठीक है, ओके थैंक यू मैम। क्योंकि मैंने पीपीटी को तो आधी ही शेयर करूंगी अभी, जितनी बना ली है मैंने, उसके बाद की बाद में शेयर करूंगी, ठीक चलेगा मैम। तो ये ग्रुप में आ जाएगी, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिए। और रिकॉर्डिंग्स रहती है क्लास की, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आप सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में मेरे साथ साथ, एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी सुखी रहें, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सभी अपनी जिंदगी में खुश रहें, लोगों को खुश रखें। दोनों हाथ को रब करेंगे, अपने बॉडी के चारों ओर एक पॉजिटिव कवरिंग बनाएंगे, वेरी गुड। अगेन रब योर बोथ पाम, नाउ पुट योर पाम ऑन योर आईज, वेरी गुड, ओपन योर आईज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास सुनने के लिए। अब आप लोग मेरे धन्यवाद को मैम, हैप्पी वुमेन्स थैंक यू डे। मैम, थैंक यू मैम।